वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है, मालदीवियन प्रेसिडेंट विजिट्स इंडिया फॉर बायलेटरल टॉक्स अमिड स्ट्रेंड टाइज। देखिए, जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है, मतलब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, विजिट किया। विजिट का मतलब बताया गाइस कहीं के लिए दौरा करना, कहीं के लिए जाना। तो विजिट किसको किया, इंडिया। तो इंडिया विजिट किया किस लिए, फॉर का सेंस होता है के लिए। तो बायलेटरल टॉक्स के लिए, बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, जिसमें दो पार्टीज क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं बायलेटरल। टॉक्स का मतलब है बातचीत, तो बायलेटरल टॉक्स के लिए। अमिड का मतलब है किसी के मध्य या किसी के बीच, तो किसके बीच, स्ट्रेंड टाइज के बीच। देखिए, स्ट्रेन का मतलब है तनावपूर्ण और टाइज का मतलब है रिश्ता या संबंध, है ना। तो जो स्ट्रेन टाइज है, कि तनावपूर्ण जो रिश्ते हैं, संबंध है, उसके मध्य, उसके बीच मालदीवियन प्रेसिडेंट, मतलब मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने विजिट इंडिया विजिट किया किसके लिए, बायलेटरल टॉक्स में, कि द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए। अब ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। तो यहाँ से देखते हैं, मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू अराइव्ड हियर ऑन संडे फॉर अ 4-day बायलेटरल विजिट टू इंडिया। देखिए, मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू अराइव में कि पहुँचे, अराइव का मतलब है पहुँचना, तो पहुँचे हियर में कि यहाँ पे, कब, ऑन संडे, तो संडे को अराइव किए, किस चीज़ के लिए, फॉर अ 4-day, तो 4 दिनों के बायलेटरल विजिट के लिए। बायलेटरल का क्या मतलब होता है, द्विपक्षीय, विजिट का मतलब होता है दौरा, विजिट कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। तो इस चीज़ के लिए जो मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू है, वो पहुँचे हियर में कि यहाँ संडे को। द फर्स्ट लेडी ऑफ द मालदीव्स साजिदा मोहम्मद अकम्पनीड म्यूजू, दिस इज म्यूजू's सेकेंड स्टेट विजिट टू इंडिया इन 4 months एंड हिज फर्स्ट बायलेटरल विजिट। देखिए, द फर्स्ट लेडी ऑफ द मालदीव्स, तो मालदीव्स की जो फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट लेडी उसको बोलते हैं गाइस जो किसी देश के प्रेसिडेंट की वाइफ हो, उसको द फर्स्ट लेडी बोलते हैं, या किसी देश के जो प्रमुख लीडर है उसकी पत्नी को, उसकी वाइफ को फर्स्ट लेडी बोलते हैं। तो द फर्स्ट लेडी कहाँ की, ऑफ द मालदीव्स। तो मालदीव्स की जो फर्स्ट लेडी है साजिदा मोहम्मद, इन्होंने क्या किया, अकम्पनीड किया। अकम्पनी का मतलब है किसी के साथ जाना, तो म्यूजू को अकम्पनी किया। दिस इज म्यूजूस सेकेंड स्टेट विजिट, तो दिस इज में कि ये है म्यूजूस, तो म्यूजू का सेकेंड में कि दूसरा स्टेट विजिट है, मतलब राज्य का दौरा है, कहाँ के लिए, इंडिया के लिए। इन 4 months, तो 4 महीनों में ये उनका सेकेंड स्टेट विजिट है। एंड हिज, और ये हिज में कि उसका फर्स्ट में कि पहला क्या है, बायलेटरल विजिट है, द्विपक्षीय विजिट है, दौरा है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया फ्रॉम October 6-10 म्यूजू विल मीट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड होल्ड डिस्कशंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बायलेटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी दौरान, तो दौरान किसके, हिज विजिट, तो उनके दौरे के दौरान। अब दौरा कहाँ के लिए, इंडिया, तो उनके इंडिया के दौरे के दौरान। अब ये दौरा कब से कब तक है, उसको बताया जा रहा है फ्रॉम अक्टूबर 6 से लेकर 10 तक उनका जो दौरा है, उसके दौरान जो म्यूजू है विल मीट, वो मीट करेंगे, मतलब मुलाकात करेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से। एंड और क्या करेंगे, होल्ड करेंगे डिस्कशंस को। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, और होल डिस्कशन का मतलब होता है इस डिस्कशन करना। तो वो क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, बायलेटरल में कि द्विपक्षीय, और रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय या भूभाग से संबंधित। तो जो बायलेटरल में कि द्विपक्षीय और रीजनल में कि जो क्षेत्रीय और जो इंटरनेशनल की जो अंतर्राष्ट्रीय जो इशूज़ है, मुद्दे हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। अब इशूज़ किस चीज़ का, म्यूचुअल इंटरेस्ट का। म्यूचुअल का मतलब है आपसी, इंटरेस्ट का मतलब है हित या लाभ। तो आपसी जो इंटरेस्ट है, आपसी जो हित है, उसका जो इश्यूज है, मुद्दे हैं, उन पे वो क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन किस चीज़ पर, किसके साथ करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, बायलेटरल, रीजनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज है म्यूचुअल इंटरेस्ट का, उस पे वो डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये किसके अनुसार है, उसको बताया जा रहा है गाइस। अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब है किसी के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू, तो किसके अनुसार, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार ये है।
द मालदीवियन प्रेसिडेंट विल ऑल्सो विजिट मुंबई एंड बेंगलुरु वेयर ही विल बी अटेंडिंग बिजनेस इवेंट्स इट सेड। देखिए द मालदीवियन प्रेसिडेंट, तो जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है विल ऑल्सो विजिट, वो साथ ही विजिट करेंगे मुंबई को और बेंगलुरु को, वेयर और यहाँ पे ही विल बी अटेंडिंग, वो अटेंड कर रहे होंगे, बल्कि वो अटेंड करेंगे बिजनेस इवेंट्स को, बल्कि जो व्यापार के जो कार्यक्रम है इवेंट्स है उसको अटेंड करेंगे। इट सेड, तो इसने कहा, इट किसके लिए लगा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके लिए है ना, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने ऐसा कहा। मालदीव्स इज इंडियाज की मैरीटाइम नेबर इन द इंडियन ओशन रीजन IOR एंड होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ सागर। देखिए जो मालदीव्स है इज वो है इंडियाज, तो इंडिया का, की का मतलब है इम्पॉर्टेंट, मैरीटाइम का मतलब है समुद्री और नेबर का मतलब है पड़ोसी, तो मालदीव्स जो है वो इंडिया का इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, समुद्री पड़ोसी है। कहाँ पे, इन द इंडियन ओशन रीजन, मतलब हिंद महासागर जो रीजन है, क्षेत्र है या भूभाग है, वहाँ पे मालदीव्स जो है वो इंडिया का इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम नेबर है। एंड होल्ड्स, और जो मालदीव्स है वो होल्ड करता है, मतलब वो रखता है अ स्पेशल प्लेस, तो एक खास जगह को होल्ड करता है, मतलब एक खास जगह है मालदीव्स का, किस चीज़ में, इन प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के विजन में। विजन का मतलब होता है गाइस, आपने कोई भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बना के रखी है, वो आपका विजन होगा। तो जो मालदीव्स है वो होल्ड करता है एक स्पेशल प्लेस को, मतलब एक स्पेशल प्लेस रखता है, या मालदीव्स का एक स्पेशल जगह है ना, प्लेस है, किस चीज़ में, प्राइम मिनिस्टर के विजन में। विजन किस चीज़ का, सागर का, जिसका यू नो इंग्लिश में फुल फॉर्म बताया जा रहा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये क्या है, फुल फॉर्म है सागर का। तो इस चीज़ में मालदीव्स का एक खास जगह है, और क्या है मालदीव्स का क्या जगह है, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें स्पेशल प्लेस रखता है, मतलब उसमें स्पेशल प्लेस है मालदीव्स का, है ना। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट मतलब एक बयान में। द मालदीवियन प्रेसिडेंट विजिटेड न्यू दिल्ली इन जून टू अटेंड मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी। देखिए जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है विजिटेड, उन्होंने विजिट किया था न्यू दिल्ली को इन जून, तो जून में। क्यों, टू अटेंड, तो अटेंड करने के लिए, देखिए अटेंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ में शामिल होना, भाग लेना या किसी चीज़ में उपस्थित होना। तो मालदीवियन प्रेसिडेंट ने विजिट किया था न्यू दिल्ली को जून में, क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए, किस चीज़ को, मोदी, तो मोदी जी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह, तो मोदी जी का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको अटेंड करने के लिए मालदीवियन प्रेसिडेंट ने न्यू दिल्ली को विजिट किया था जून में। द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स गॉट स्ट्रेंड आफ्टर म्यूजू बिकेम द प्रेसिडेंट। देखिए द टाइज, टाई का मतलब है रिश्ता या संबंध, बिटवीन का मतलब है बीच में, तो किसके बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो टाइज है गॉट, वो हो गया, गेट यहाँ पे होने के सेंस में यूज़ हुआ है गाइस, और गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट, तो जो रिश्ते हैं गॉट वो हो गए, स्ट्रेन का मतलब है तनावपूर्ण, तो तनावपूर्ण रिश्ते तनावपूर्ण हो गए, आफ्टर का मतलब बात, तो बात किसके बाद, म्यूजू के बिकम होने के बाद, बिकम का मतलब बन जाना, तो बिकेम कि बन गए, क्या बन गए, द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट बन गए ऑफ द मालदीव्स, तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद जो इंडिया और मालदीव्स का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो क्या हो गया, तनावपूर्ण हो गया। नोटेबली मिजू रोज टू पावर बेस्ड ऑन हिज इंडिया आउट वेयर ही डिमांडेड द विदड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स एंड सपोर्ट स्टाफ फ्रॉम द मालदीव्स। देखिए नोटेबली का मतलब होता है जो इम्पॉर्टेंट हो, जो ध्यान देने योग्य हो, तो नोटेबली जो मिजू थे रोज टू पावर, वो रोज टू पावर हुए थे, देखिए राइज टू पावर का मतलब होता है सत्ता में आना, और राइज का सेकेंड फॉर्म होता है रोज, तो रोज टू पावर में कि सत्ता में आए, बेस्ड ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज के बेस पर, किसी चीज के आधार पर, तो किसके आधार पर सत्ता में आए, ऑन हिज इंडिया आउट, तो उनका जो इंडिया आउट था है ना, उसके आधार पर।
रिजू सत्ता में आए, वेयर, अब इसमें ही डिमांडेड, तो ये जो इंडिया आउट है वेयर, जिसमें ही डिमांडेड, उन्होंने मांग किया द विद्रावल। विद्रावल का मतलब है गाइस निकासी, है ना, मतलब कहीं से किसी चीज़ को निकालना, वापस लेने को विद्रावल करना कहते हैं। तो जहाँ पे उसने क्या किया था, डिमांड किया था विद्रावल, विद्रावल किनका, इंडियन ट्रूप्स, तो जो इंडियन की भारतीय जो ट्रूप्स है, सेना है, उनका विद्रावल का डिमांड किया था। एंड और जो सपोर्ट स्टाफ है, मतलब जो सहयोगी कर्मचारी वर्ग है, उनका विद्रावल का डिमांड किया था। विद्रावल कहाँ से, फ्रॉम द मालदीव्स, तो मालदीव से जो इंडियन ट्रूप्स है और जो सपोर्ट स्टाफ है, उनका विद्रावल, उनका निकासी का डिमांड किया था उसके इंडिया आउट के पॉलिसी में। द डिप्लोमेटिक रॉ फर्दर इंटेंसिफाइड आफ्टर सम मिनिस्टर्स इन द मिजू कैबिनेट यूज्ड डेरोगेटरी लैंग्वेज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर ही पोस्टेड पिक्चर्स ऑफ हिज ट्रिप टू, देखिए द डिप्लोमेटिक रॉ, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, रॉ का मतलब होता है झगड़ा, है ना, क्योंकि झगड़ा या बहस लोगों में किसी बात पर, उसको बोलते हैं रॉ। तो जो कूटनीतिक जो रॉ है, झगड़ा है, फर्दर का मतलब होता है और आगे, तो और आगे क्या हो गया, रॉ मतलब झगड़ा, इंटेंसिफाई हो गया, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र हो जाना, तो और आगे ये क्या हो गया, तीव्र हो गया। आफ्टर का मतलब बात, तो बात किसके बाद तीव्र हुआ, सम मिनिस्टर्स, तो कुछ जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, कहां पे मंत्री, इन द म्यूजू कैबिनेट, तो म्यूजू के कैबिनेट में, कि मंत्रिमंडल में जो कुछ मिनिस्टर्स थे, उन मिनिस्टर्स ने क्या किया, यूज किया, मतलब कि उपयोग में लाया डेरोगेटरी लैंग्वेज का। डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, तो डेरोगेटरी मतलब कि अपमानजनक भाषा का यूज किया, अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ, तो किसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। आफ्टर का मतलब बात, तो बात किसके, ही पोस्टेड, जब उन्होंने क्या किया, पोस्ट किया, पिक्चर्स को पोस्ट किया। अब पिक्चर्स कहाँ का, ऑफ हिज ट्रिप, तो उनका जो ट्रिप है, ट्रिप कहाँ के लिए, ट्रिप टू लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का जो ट्रिप है, है ना, वहाँ का जो पिक्चर्स है, उनको जब मोदी जी ने क्या किया, पोस्ट किया, तो जो मिजू के कैबिनेट में जो कुछ मिनिस्टर्स थे, उन मिनिस्टर्स ने क्या किया, यू नो, डेरोगेटरी में कि अपमानजनक लैंग्वेज का यूज़ किया। इसके बाद जो कूटनीतिक में कि जो डिप्लोमेटिक जो रॉ है, झगड़ा है, वो फर्दर में कि और आगे क्या हो गया, इंटेंसीफाई में कि तीव्र हो गया। वाइल द सेड मिनिस्टर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द कैबिनेट, टूरिज्म इन द मालदीव्स टुक अ हिट एज टूरिस्ट फुटफॉल डिक्रीज फ्रॉम इंडिया। देखिए वाइल का यहाँ पे सेंस हो रहा है गाइस हालांकि के सेंस में, तो हालांकि द सेड मिनिस्टर्स, तो जो सेड मिनिस्टर्स है, अब देखिए ये जो सेड मिनिस्टर्स है गाइस, ये उन मिनिस्टर्स की बात कर रहा है जिन मिनिस्टर्स ने क्या किया था, डेरोगेटरी लैंग्वेज में कि अपमानजनक जो भाषा है उसका यूज़ किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो हालांकि ये जो सेड मिनिस्टर्स है, जिन मिनिस्टर्स की बात करी गई है, वर रिमूव, तो इन मिनिस्टर्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। रिमूव का मतलब है निकाल देना, और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो हालांकि ये जो सेड मिनिस्टर्स है, इन मिनिस्टर्स को निकाल दिया गया, कहां से, फ्रॉम द कैबिनेट, मतलब कि मंत्रिमंडल से। फिर भी जो टूरिज्म है, मतलब कि जो पर्यटन है, इन द मालदीव्स, तो मालदीव्स में जो पर्यटन है, उस पर्यटन ने क्या किया, टुक अ हिट किया। देखिए टेक अ हिट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने को टेक अ हिट करना कहते हैं, और टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक। तो जो मालदीव्स में जो पर्यटन है, उस पर्यटन पे क्या आया, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा, यहाँ पे एस क्योंकि के सेंस में यूज़ हुआ है, क्योंकि जो टूरिस्ट थे, टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, तो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है, फुटफॉल का मतलब होता है गाइस किसी जगह में जाने वाले लोगों की संख्या को बोलते हैं फुटफॉल। तो जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाना या घट जाना, वो घट गया, कहाँ से, फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से जाने वाले लोगों का जो फुटफॉल है, संख्या है, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण से जो वहाँ का मालदीव्स का जो पर्यटन है उसमें एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। However, both sides tried to repair ties after the Maldives underlined India's pivotal role in its economic development, security and infrastructure projects. देखिए हावेवर का भी सेंस होता है कि हालांकि, तो हालांकि बोथ साइड्स, बोथ का मतलब है दोनों, साइड का मतलब है तरफ, तो दोनों तरफों ने हालांकि क्या किया, ट्राई किया, कोशिश किया, क्या करने का, रिपेयर करने का। रिपेयर का मतलब है मरम्मत करना। अब किस चीज़ को रिपेयर करना, टाइस, तो टाइस में कि जो रिश्ता संबंध है उसको दोनों तरफों ने क्या किया, रिपेयर करने की कोशिश करी। आफ्टर का मतलब बाद, बात किसके, द मालदीव्स, तो जो मालदीव्स है उसने क्या किया, अंडरलाइन किया। अंडरलाइन का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उस चीज़ को
उस बात पर जोर देने को अंडरलाइन करना कहते हैं। तो जब जो मालदीव्स है उसने क्या किया, अंडरलाइन किया, मतलब कि जोर दिया किस चीज़ पर, इंडिया। तो इंडिया का जो पिवटल रोल है, पिवटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या केंद्रीय, रोल का मतलब है भूमिका। तो इंडिया का जो केंद्रीय जो भूमिका है किस चीज़ में, इन इट्स इकोनॉमिक, तो उसके इकोनॉमिक में कि जो आर्थिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें इंडिया का रोल को हाईलाइट किया या अंडरलाइन किया। और किस चीज़ में, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया का पिविटल मतलब कि जो मुख्य और केंद्रीय रोल को क्या किया, अंडरलाइन किया मालदीव्स ने। तो दोनों तरफों ने, दोनों साइड्स ने क्या किया, ट्राई किया टू रिपेयर करने का, जो टाइज है मतलब कि जो रिश्ता है या संबंध है उसको रिपेयर करने की दोनों साइड्स ने कोशिश की। सो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझ आया हो देन डू थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ चंदन खरे। आई बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट इन फ्यूचर, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. Bye-bye.